मई मास की पूनम के बाद अक्सर हरिद्वार में ही बापू सत्संग लाभ दिया करते हैं। गंगा किनारे दुर्लभ रास्तों से होकर निकलना हो या नाव में केवट बनकर नदी के उस पार पहुंचना हो, बापू इन सब से कोई गुरेज नहीं करते और अपने भक्तों को फायदा पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर लेते हैं। Thank you.
व्यास जी के सम्मान में सत्संग सत्र रखा, चर्चा प्रश्न उत्तर। तो कोई किसी का कुछ प्रश्न, किसी का कुछ प्रश्न उत्तर। एक प्रश्न हुआ कि सबसे ज्यादा धरती पे मनुष्य शरीर पाया हो और सबसे ज्यादा गया बीता कोवा जघन्य भूलोके, जघन्य गया बीता। किसी ने कहा पापात्मा जघन्य, किसी ने कहा निर्धन को सब ठुकराते हैं वही घृणा का पात्र हो जाता है, किसी ने कहा अपने अपने ढंग से। आखिर फैसला वेद व्यासी के चरणों में गया, जो वेद व्यासी कहेंगे वो सर्वमान्य होगा। वेद व्यासी ने कहा संपदा नैव संपदा, विपदा न विपदा, नारायण विस्मृति विपदा, नारायण स्मृति संपदा, नारायण विस्मृति ही जघन्य। जो उसको भगवान की स्मृति नहीं है वो शरीर को मैं मानेगा, जगत को सच्चा मानेगा और रसहीन जीवन, कुछ भी कर्म करेगा, यहाँ भी खुद दुखी रहेगा दूसरों को दुखी करेगा और मरने के बाद भी दुखद योनियों में जाएगा, माँ के गर्भ को तकलीफ देगा। नारायण विस्मृति ही, जिसको नारायण की स्मृति नहीं भगवान की, नर है तो नारायण की संतान है। जैसे पेड़ अपने मूल से हटकर भागता फिरे तो उसका नाश है, वीणा की तार वीणा से बंधी है तो स्वर आलापोगे, वीणा को छोड़कर वीणा की तारें भटकने लग जाए तो कुछ नहीं। नदी या नहर दो किनारों के मर्यादा में रहती है तो यात्रा करती है। ऐसे ही जो नारायण की स्मृति और नारायण के शास्त्र की मर्यादा नहीं पालता वही जघन्य व्यक्ति है। हरिद्वार में मेला हुआ था, सबसे प्रथम कौन सा अखाड़ा नहाएगा तो खिंचातानी होती है। किसी सुलझे हुए साधु ने कहा सबसे प्रथम स्नान दिवरहा बाबा करें, तो प्रशासन भी खुश हो गया कि खिंचातानी मिटेगी। अब दिवरहा बाबा को आमंत्रण देने गए, दिवरहा बाबा अरे भाई हम तो जंगली आदमी, हमको कहा ऐसा वैसा, बोले नहीं बाबा आपको आना होगा, आप हाँ भर दो और शाही स्नान में पहले आप ही नहाएंगे हर की पौड़ी पे, बाद में सब अखाड़े आपको चाहते हैं। बोले अच्छा देखेंगे। अब वो तिथि तय हुई तो मेला अधिकारी ने खास जो समझदार लोग हों बाबा के पास भेजा, तो बाबा बोला अच्छा टाइम हो गया, बोले बस बाबा भी होने वाला है। अच्छा बोलो तो फिर हम आएंगे। अब बाबा आपको हम जीप में लेके जाएंगे। अरे तुम्हारी जीप कब पहुँचेगा? नहीं बाबा नहीं तो भीड़ है ना, आपको जाने में देर होगी, सारा प्रोग्राम मुहूर्त सब चला जाएगा। अरे कैसे जाएगा, तुम जाओ हम आइट है। तो बैठे रहे बैठे रहे। अब बाबा ने कहा तुम मानते नहीं जाओ, वो खाली हाथ लौट रहे हैं बिना बाबा के। सुकरते जाके अधिकारियों को कहा कि बाबा जी को तो हम बहुत बोले लेकिन सिद्ध पुरुष हैं, कहीं नाराज होके बोल जाएंगे तो फिर वो अभी आ रहे हैं। अरे बोले पागल हुए, बाबा जी नहा गए और साधु नहा रहे हैं। एक बारों में चपाता है। बाबा जी सत्य संकल्प से आए प्रकट हुए, यहाँ नहा लिए पहले, भीड़ भाड़ उनको क्या लगती है। ऐसे बाबा ने भी अपने को बाबाओं का बाप घोषित नहीं कराया। अभी मैं नाव चला के उस पार गया, जंगल में एक साधु था, वो बोला आज मेरे बहुत विवल हो रहा था कि बाबा का दर्शन क्यों नहीं होता, दर्शन तो आप आ गए दर्शन दे दिया।
उस दिन से वहीं रहता है। मैं क्या क्या खाते पीते, बोले चना भिगा देता हूँ एक सुबह को, दूसरे सुबह को चबा लेता हूँ। 8 दिन हो गए, 10 दिन मैं कुछ डालते, बोले नहीं। मैं क्या भाई, तो मेरे को जो कुछ बताना था उनको बता के आया, हम 2-4 दिन रहेंगे तो रहेंगे। तो जिसको जिस पर स्नेह होता है तो कैसे, मैं नाव चला के गंगा पार करके गया, उनको संतोष हो गया, मेरे को भी संतोष। और गंगा किनारे गुरु दर्शन का लाभ लेकर सत्संग सागर में डूबने का मजा इन भक्तों ने खूब लूटा।